नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलसी का तेल पीने से वज़न कम होता है, जानिए रोज़ाना अलसी का तेल पीने के कुछ ऐसे फ़ायदे जो आपकी बड़ी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। वज़न कम करने की ख्वाहिश सिर्फ ख़वातीन की नहीं होती, बल्कि अब हर किसी की ज़रूरत बन गई है। हर बंदा फिट और तंदुरुस्त रहना चाहता है, लेकिन वज़न की ज़्यादती इंसानी जिस्म में कई किस्म की तब्दीलियाँ रोनुमा करता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो किसी को हार्मोनल तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। ख्वातीन में तो जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा आम है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए अलसी का तेल रोज़ाना पीना फ़ायदेमंद साबित होता है। एक सारिफ ने अपना तजर्बा शेयर करते हुए बताया कि कुछ माह कबल ट्रैफिक हादसे में पसली फ्रैक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से मुस्तकिल कमर दर्द और पसली में दर्द रहता था। दवाएँ इस्तेमाल करने से वज़न भी अच्छा खासा बढ़ चुका था। रोज़ाना फिजियोथेरापी करवाती थी ताकि दर्द से निजात मिल सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे तमाम तर अद्वियात के साथ अलसी का तेल निहार मुँह 6 कतरे पीने का कहा, और रात को सोने से पहले भी नीम गर्म दूध के साथ अलसी के तेल के 6 कतरे पीने का मशवरा दिया। अभी मैंने 2 दिन ही इस तेल को इस्तेमाल करना शुरू किया कि दर्द में कमी वाकई हुई, चलने फिरने में तकलीफ भी कम महसूस होती है। इसके साथ डॉक्टर ने मुझे यह भी बताया कि अलसी का तेल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, हाजमे में बेहतरी लाता है, हड्डियों के दर्द को कम करने में मदद देता है, ये वज़न को भी कम करता है। लेकिन इसको 6 माह तक लाजमी इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़वातीन को माहवारी में किसी किस्म की परेशानी हो तो भी ये तेल उनकी मदद करता है। अलसी में फाइबर और विटामिन की खासी मकदार होती है, जो जिसम में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार और उनके तवाजुन को भी बरकरार रखती है और बाकों की मजबूती में भी मदद करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।